दोस्तों ओप्पो A3s इंडिया में काफी पॉपुलर स्मार्टफोन रहा था एंड बहुत सारे लोग इसको खरीदा भी। अभी उसका सक्सेसर ओप्पो A5s का कुछ लीक्स एंड रूमर्स निकल के बाहर आया है जो कि बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो A5s का सारे स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस में आएगा एंड इंडिया में कब तक आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे, निराश नहीं करोगे, 200 लाइक्स दबा ही दो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले डिजाइन के बारे में। आप सभी लोग तो जानते हो ओप्पो का डिजाइन ऐसे भी काफी अच्छे होते हैं। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी पैनल मिलेगा, डुअल टोन कलर देखने को मिल जाएगा एंड फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा जो कि अभी हर फोन में देखने को मिलता है। बात करते हैं कैमरास के बारे में। 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर और 2.2 एपर्चर के साथ आएगा। और गाइस जो सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का और 2.4 एपर्चर के साथ आएगा जो कि डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। सेल्फी कैमरे के बारे में बात कर दो गाइस, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 4230 mAh की बैटरी मिलेगा लेकिन गाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, USB 2.0 के साथ मिलेगा। प्रोसेसर के बारे में बात कर दो गाइस, MediaTek का Helio P30 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, ठीक ठाक चिपसेट है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 2GB रैम, 3GB रैम एंड 4GB रैम। अब 2GB रैम के साथ 16GB स्टोरेज आएगा, 3GB रैम के साथ 32GB आएगा एंड 4GB के साथ 32GB आएगा। डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स ऑरियो मिलेगा, पाई नहीं मिलेगा, कलर OS 6.0 के साथ आएगा तो काफी अच्छी बात है, कलर 6.0 अच्छा है। डिस्प्ले के बारे में बात कर दो गाइस, 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD नहीं मिलेगा और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलेगा या नहीं वो अभी तक कंफर्म नहीं है। दोस्तों आप बात करते हैं प्राइस के बारे में। गाइस ओप्पो A3s का जो इंडियन प्राइस था 11,000 rupees और मुझे लगता है इसका प्राइस ओप्पो A5s का प्राइस 9,000 या 10,000 rupees के आसपास इंडिया में आएगा क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही टाइट हो चुका है। तो ओप्पो को यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में अच्छा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा वरना ये फोन फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि रेडमी नोट 7 आ गया है, रियलमी 3 आ गया है, तो ओप्पो को यहाँ पे अच्छा प्राइस रखना पड़ेगा एंड सही स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। अब देखना यह है कि ओप्पो किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च करता है। इंडियन लॉन्च डेट की बात कर दो गाइस, अभी तक कंफर्म डेट नहीं है लेकिन गाइस अप्रैल के लास्ट तक इंडिया में मिलने का चांसेस है। ऐसे भी ओप्पो जब कंफर्म करेगा मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, 200 लाइक का टारगेट है पूरा कर दो। और कमेंट करना मत भूलिएगा, आपका किसी भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।